मीठे की क्रेविंग सबको ही होती है और दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल खाने का, और स्पेशली जब मैंगो का सीजन हो तो दिल करता है मैंगो का कोई डेजर्ट खाने का। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ मैंगो का कस्टर्ड। और जो बहुत सी लोगों की कंप्लेंट रहती है ना कि हमारे बच्चे कस्टर्ड नहीं खाते क्योंकि हमारे कस्टर्ड में लम्स बन जाते हैं, उसमें मलाई आ जाती है, तो आज वो सारी कंप्लेंट्स दूर होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक स्टेप बाय स्टेप जरूर देखना क्योंकि मैंने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जो आपके कस्टर्ड को एक रिच टेक्सचर देंगे। मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैंगो की प्यूरी। तो ये मैंने दशहरी आम लिया है, दो आम लिए हैं, इस तरह से पीसीस काट लिए हैं। आप कोई भी आम ले सकते हो, लेकिन देखना ये है एक तो आम बिल्कुल पका हो और बहुत ज्यादा मीठा हो। अल्फेंजो भी ले सकते हो या बहुत तरह के आम आते हैं, ठीक है, कच्चा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने दो आम लिए हैं, तो इसकी एक बनाते हैं फाइन प्यूरी। ये रहा इस तरह से। आप बाजार में कैन वाला प्यूरी भी आती है, आप वो भी ले सकते हो, मार्केट में मिल जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मीठा तेज होता है, तो फिर बाद में हमें चीनी उसी हिसाब से डालनी पड़ती है, ठीक है। अब इसकी बनाएंगे एक बहुत फाइन प्यूरी, इसमें कोई पानी कोई दूध नहीं डालेंगे। ये रही जी हमारी फाइन प्यूरी। अब इसको निकाल के हम साइड पे कर देते हैं। अब बनाते हैं हम कस्टर्ड का मिक्सचर। ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून नॉर्मल वनीला कस्टर्ड पाउडर, ठीक है, जो बेसिक वाला कस्टर्ड पाउडर आता है। आप बाजार में मैंगो फ्लेवर वाला भी ले सकते हो, वो भी इजिली मिल जाता है। उससे डिफरेंस क्या आएगा, मैंगो फ्लेवर वाला आप डालोगे तो जो मैंगो कस्टर्ड है उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 टीस्पून दूध। अब दूध जो है बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि लम्स ना रहे। बहुत से लोगों की फ्रेंड्स यही कंप्लेंट होती है, मतलब बहुत से लोग खाना भी नहीं पसंद करते कस्टर्ड, कि भाई हमारे तो लम्स उसमें बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं या फिर मलाई जम जाती है। लेकिन आज मैं जिस तरह से सिखा रही हूँ, आई एम श्योर आपके बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखिए किस तरह से एक स्मूथ हम कस्टर्ड का मिक्सचर बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी कढ़ाई या एक बड़ा पैन लेंगे फ्रेंड्स, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क, यानी कि फुल क्रीम दूध। दूध जो है फ्रेंड्स फुल क्रीम की लेना, तभी जो क्रीमी और वो जो टेक्सचर आता है ना, मतलब हमारे कस्टर्ड में, तभी आ पाएगा, मतलब टोंड बिल्कुल मत लेना। अब इसको हम क्या करेंगे, मीडियम गैस पे एक उबाला आने देंगे। सी ये देखो एक उबाला आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम मैं कर दूंगी बंद। बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहीं पे सबकी गलती होती है। अब जैसे मैंने 1/2 लीटर फुल फैट दूध लिया है, मैंने इसमें चीनी डाल रही हूँ 1/2 कप, ठीक है। अब चीनी भी वेरी करती है, यानी कि मतलब अगर तो आम बहुत ज्यादा मीठे हैं तो चीनी थोड़ी सी कम डलेगी, और अगर आप कैन वाला मतलब प्यूरी यूज कर रहे हो तो चीनी और भी ज्यादा कम डलेगी। कहने का मतलब चीनी ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था। जैसे ही हम इसको डाल देंगे, फटाफट से एक विस्कर से, मैं आपको बताती हूँ इस तरह से, इसको सिम गैस पे बिल्कुल लगातार हिलाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। पता है जब मेरा बेटा भी छोटा था ना, वो भी कस्टर्ड नहीं खाता था, वो भी बोलता था मम्मा इसमें गांठे पड़ गई हैं, इसमें मलाई आ गई है। लेकिन आप एंड तक देखना वीडियो को, बिल्कुल भी हमारे कस्टर्ड में मलाई नहीं आएगी, इतना क्रीमी टेक्सचर होगा, ऐसे लगेगा जैसे कि बाजार की एक कोई फ्रेश क्रीम खा रहे हो। ये देखो अब इसको हमने कितनी देर पकाना, 3 से 4 मिनट तक, वो भी स्लो गैस पे, और इसी तरह से लगातार विस्कर हिलाते रहना है ताकि गांठे ना पड़े, लम्स ना पड़े, बस ज्यादा नहीं पकाना, 3 से 4 मिनट। इस तरह से साइड से भी फ्रेंड्स हम अच्छे से सारा इसको निकाल देंगे। अब 3 से 4 मिनट हो गए, इसको विस्कर से इस तरह से घुमाते हुए गैस का फ्लेम करेंगे बंद, और इसको किसी भी बाउल में ट्रांसफर करते हैं। ये लो जी सारा कस्टर्ड हम एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। अब बहुत से लोग फ्रेंड्स यही गलती करते हैं, जो हमने मैंगो का पल्प बनाया था वो गरम गरम इसी टेक्सचर में, इसी क्रीम में डाल देते हैं, लेकिन हमने ये गलती नहीं करनी, इसको ठंडा होने देना है, ठंडा इन द सेंस रूम टेम्परेचर तक। रीजन क्या है, अगर हम इसी टाइम पे जो हमने मैंगो पल्प रेडी किया था डालेंगे, तो अपना जो मैंगो का अपना एक जो टेस्ट है ना वो खत्म हो जाएगा, अपना एक एसेंस खत्म हो जाएगा। तो इसको हम 10 मिनट तक थोड़ा सा रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने की वेट करते हैं। अब कस्टर्ड फ्रेंड्स हमारा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हमने टेस्टी टेस्टी ये जो मैंगो प्यूरी बनाई थी वो सारी हम इसमें डाल देंगे। ओहो, इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती।
और थोड़ा सा फ्लेवर और देने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 पिंच इलायची का पाउडर। आप इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हो जो हम केक में यूज करते हैं, या फिर कई लोग इसमें सौंठ का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर भी डालते हैं। ठीक है, हमने हमेशा जब भी कस्टर्ड बनाना है विस्कर से ही बनाना है, यही जो है हमारे कस्टर्ड को बहुत बढ़िया क्रीमी टेक्सचर देता। अब इसको जब हम प्यूरी डालेंगे तब भी हमने इसी से हिलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, इसको फटाफट से हिलाना है। अब जैसे ही हम इसको आप देखेंगे फ्रिज में रखेंगे ये और थिक हो जाएगा, बाय द टाइम जब हम खाएंगे बहुत ज्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्रेंड्स, ये तो जी हमारा फ्रूट कस्टर्ड यानी कि मैंगो कस्टर्ड रेडी हो गया। अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। लेकिन बीच बीच में एक चीज आपको और करनी पड़ेगी, हर आधे घंटे या 20 मिनट बाद इसी विस्कर से हम अपने कस्टर्ड को इस तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए। तभी तो बच्चे या कई बार कई लोग कहते हैं ना कि जी इतने गांठे आ गई है, मलाई आ गई है, तो वो इसी वजह से। आपने बीच में इसको ऐसे नहीं छोड़ना जैसे हम आइसक्रीम बनाते ना वैसे ही, हर आधे घंटे बाद इसी विस्कर से, यही हमारे कस्टर्ड को बढ़िया बनाएगा। ठीक है, अब जी रेडी हो गया हमारा कस्टर्ड, इसको रखते हैं फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए, फिर देखते हैं इसको कैसे डेकोरेट करना है। तो फाइनली हमारा कस्टर्ड जो है ठंडा हो चुका है, अब करते हैं इसको सर्व। ठंडा ठंडा कस्टर्ड गर्मियों में तो इतना बढ़िया लगता है ना फ्रेंड्स। ऊपर से इसको गार्निश हम कर सकते हैं इस तरह से, मैंने मैंगो के पीसेस काट लिए थे, ये थोड़ा देखने में और भी सुंदर लगेगा। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन हम बना रहे हैं मैंगो कस्टर्ड तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मैं फ्रूट्स नहीं डाल रही। थोड़ा सा गार्निश के लिए डाल देते हैं इसमें पॉमीग्रेनेट और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से आमंड्स। लो जी हमारा ठंडा ठंडा मैंगो कस्टर्ड रेडी है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।